नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने डेस्कटॉप या पीसी का या लैपटॉप का नाम कैसे चेंज कर सकते हो विंडोज 10 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल लिखा हुआ है। ये दोस्तों आपके डेस्कटॉप का नेम नहीं होता, ये एक यूज़र नेम होता है। ये एक चीज़ आप याद रखना। डेस्कटॉप नेम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो डिवाइस नेम होता है वो शो होता है। आप देख सकते हो डिवाइस नेम के आगे डेस्कटॉप NSIFHPA6 करके ऐसा कुछ होगा। ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है दोस्तों जब भी विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप का नेम अपने नाम से या किसी और नाम से अगर आप डालना चाहते हो तो दोस्तों आपको इसको यहाँ से चेंज करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना ये है कि आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आप जैसे ही राइट कॉर्नर में देखोगे तो दोस्तों एडवांस सिस्टम सेटिंग्स होता है। अगर ये आपको यहाँ पर ना दिखे तो दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करना, ये आपके नीचे की विंडोज़ में आ जाता है। तो दोस्तों आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपको जाना होगा दोस्तों कंप्यूटर नेम के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपका जो नेम है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो फुल कंप्यूटर नेम ये है। एक दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है नेटवर्क आईडी और दोस्तों एक मिलता है चेंज का। आप जैसे ही चेंज पर क्लिक करते हो तो दोस्तों कंप्यूटर नेम लिखा हुआ होता है और उसके नीचे आपका जो नेम है वो लिखा हुआ होता है, जो भी आपके सिस्टम का नेम होता है। यहाँ से आपको इसको रिमूव कर देना है, बैक स्पेस से हटा देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी नेम डाल सकते हो, जैसे कि आप अपना भी नेम डाल सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। या फिर दोस्तों आपका जैसे कोई सर्वर है या कोई पीसी है या दोस्तों कोई क्लाइंट नेम से है तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप अपने नाम से भी अपने कंप्यूटर का नाम दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे ही आप ओके करते हो तो यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंज, मतलब आपको बोलेगा कि आप जैसे ही रीस्टार्ट करोगे आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर नेम चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आपको इसको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। रीस्टार्ट नाउ। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट हो चुका है। अब मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि जो नेम है वो चेंज हुआ है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस नेम अब जो भी हमने चेंज किया था अजय के नाम से वो आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं बेसिक्स क्योंकि और दोस्तों हार्डवेयर का जो भी वर्क होता है, जैसे कि लैपटॉप रिपेयर कैसे करते हैं कार्ड लेवल पे, ये सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।